जम के डटे रहो, जान की बाजी लगा दो। मदद आने की परवाह मत करो, दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। चलो अब थोड़ी देर के लिए शांति रहेगी। तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? अरे भाई उधर क्या देख रहे हो? वहां कुछ भी नहीं है सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां से हमें कोई घूर रहा है सर? कहां? अरे यार वहां कुछ भी नहीं है, अपने लोग कभी आए नहीं है और दुश्मन सामने, फिर वहां कौन हो सकता है? इसलिए सर कोई ना कोई है जो हमें घूर रहा है। कुछ गड़बड़ है। डैमेज कुछ प्रॉब्लम है, 1971 में अटकी हुई है। दो बज गए, लेक्चर का टाइम हो गया। ठीक है तुम्हें आकर ठीक करूंगा। ओके ओके स्वीटहार्ट। पिछले हफ्ते हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस हफ्ते मैं तुम्हें एक नया असाइनमेंट देता हूं और वो ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन हो तो तुम क्या करोगे? हाँ सर, मेरे पास ये टाइम मशीन है। मैं इस टाइम मशीन की बात नहीं कर रहा जो महज एक रिस्टवॉच है, टाइम बताती है। मैं उस टाइम मशीन की बात कर रहा हूं जो हमें दूसरे समय में ले जा सकती है, चाहे वो भूतकाल हो चाहे भविष्यकाल। अब देखो ये है आज यानी 96 वर्तमान, और इसके बाद है 97, 98, 2000, 2050, 3000, 4000, 10000 एंड बियॉन्ड। और अगर पीछे जाना चाहें तो ये है 95, 94, 1980, 1960, 1947, 1495, यहां तक कि स्टोन एज जब की सृष्टि बनी थी। अजय। यस सर। तुम तो अच्छे खासे डांसर हो। हाँ यस सर। कैसा रहेगा अगर तुम अपने पेरेंट्स की शादी में नाच सको तो? रियली सर? हाँ जरा सोचो कैसा रहेगा अगर तुम पास्ट में जाकर अजंता एलोरा को बनते हुए देख सको, या कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई देख सको, या उससे भी पीछे जाकर डायनासोर्स को देख सको। सर वो तो हम टीवी सीरियल में बहुत देख चुके हैं। नो 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 नो, इसमें कोई एक्ट्रेस नहीं है, नो गिमिक्री, नो स्पेशल इफेक्ट्स। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम टाइम ट्रैवल कर सकोगे तो क्या होगा।
चाहो तो सीधे राम रावण का युद्ध देखो, रामायण। अगर सीधी भाषा में समझाना हो तो मुंबई से पुणे हम कैसे जाते हैं? टिकट खरीदते हैं और पहुंच जाते हैं। टाइम ट्रैवल में ठीक इसी तरह से अगर तुम चाहो तो 1996 से 1947 में पहुंच सकते हो, या किसी हिस्टोरिक मोमेंट पर जैसे 1857 की फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, या गौतम बुद्ध का जन्म, या क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, कुछ भी। आई थिंक टाइम इज अप। एनीवे, कल आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो है टाइम ट्रैवल में मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। ओके, सोचो, दिमाग से काम लो, किताबों से नहीं। मुझे ये असाइनमेंट कल सुबह चाहिए। इज इट क्लियर? सर आप कह रहे थे कि टाइम ट्रैवल करके हम पास्ट में जा सकते हैं, सर लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सर ये संभव ही नहीं है। फिर आपने मिसाल दी कि ये वैसे ही है जैसे बॉम्बे से पुणे जाना, लेकिन सर ये तो दो अलग अलग जगह हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, पर एक टाइम से दूसरे टाइम में हम कैसे जा सकते हैं? देखो पुराने समय में न तो हमारे पास समुद्री जहाज थे न हवाई जहाज। उस वक्त अगर तुम इंडिया से कनाडा जाना चाहती कैसे जा सकती थी? सर कैसे जाती, तब तो जहाज ही नहीं थे। लेकिन अब तो जा सकती हो ना? वो इसलिए क्योंकि जहाज और प्लेन्स हैं। ये दोनों मशीनें तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। इसी तरह से ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती जो तुम्हें एक समय से दूसरे समय में ले जाए। सर लेकिन ऐसी कल्पना करना ही बेकार है, क्योंकि ऐसी मशीन ना है और ना ही कभी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्या कभी किसी ने सोचा था कि आदमी की तस्वीर खींची जा सकती है, उसे चलता फिरता दिखाया जा सकता है? लेकिन वीडियो कैमरा आ ही गए ना। या किसी ने ये सोचा था कि आदमी उड़कर चांद पे जा सकता है, लेकिन साहब आदमी उड़कर चांद पे हो आया। तो ये जो है ना, ये है साइंस, जो किसी भी असंभव चीज को संभव करके दिखाता है। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने टाइम मशीन इजाद भी कर ली है। टाइम मशीन हो सकता है मैंने इजाद कर ली हो? अच्छा तुम जाओ और अपना काम करो। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो लेकिन जल्दी, मुझे बहुत काम है। सर मैं रोज देखती हूँ कि आप लेक्चर के बाद सीधा इसी कमरे में लौटते हैं, घर तक नहीं जाते। बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। जी सर, तो मैंने प्रोफेसर शर्मा से पूछा, उन्होंने बताया कि कॉलेज की तरफ से आपको ये कमरा रिसर्च के लिए मिला है और क्या? और आपके अलावा कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता, सफाई वाले भी नहीं। सर सब कुछ आप खुद ही करते हैं? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल करती हो। जाओ ना बाबा, प्रोजेक्ट पे काम करो। सर प्लीज, इस कमरे में क्या है? कुछ नहीं, मेरा रिसर्च मटेरियल है। क्यों सर, आप किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या मैं देख सकती हूँ? सर प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज सर, 10 साल से एक चिड़िया तक को घुसने नहीं दिया मैंने इस रूम में। सर प्लीज, सिर्फ एक बार। ओके, वादा करो कि ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी। पक्का वादा सर। जो चीज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो अगर किन्हीं गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो तबाही मच जाएगी, तबाही। इसलिए अपना वादा मत भूलना। चला के दिखाई ना तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। चल चल बेटा, चल चल चल। जी देखिए, उल्लास नाम का एक मुजरिम जेल तोड़कर भागा है, आपने उसे देखा है? वो इसी तरफ आया था। जी जी नहीं। चेहरे पर एक लंबा सा निशान है, याद कीजिए, शायद आपने देखा हो। नहीं, ऐसा कोई आदमी मैंने नहीं देखा है। बहुत खतरनाक आदमी है क्या? खतरनाक? जहां भी जाता है लाशें बिक जाती हैं। 5 साल पहले उसने एक पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर किया था। 7 जने थे, औरतें और बच्चे। हे भगवान। कल हम उसे पुणे ले जाने वाले थे, फांसी लगने वाली थी उसे,
मगर वो बदमाश भाग निकला। मगर वो भागकर इधर ही आया था, यहीं कहीं छिपा होगा। यहां आसपास कोई मकान भी तो नहीं है, यहीं छिपा होगा वो। नहीं, यहां तो ऐसा कोई आदमी नहीं आया है। ठीक है। ओ हाँ, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? फोन? वो तो कुछ खराब सा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर ही लेता हूं, बहुत अर्जेंट है और आसपास कोई दूसरा फोन भी नहीं है, एक मिनट लगेगा। देखिए बात तो सुनिए, फोन काम नहीं कर रहा है। फोन ले लो, बात मानिए। आप देखिए, फोन तो डेड है। हाँ, हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि फोन काम नहीं कर रहा है। हाँ, फोन काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका वायर काट दिया गया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और जब तक तेरी पुलिस यहाँ पर आएगी तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तुझे बाहर छोड़ कर चोट तो नहीं लगी? नहीं, किस्मत अच्छी थी, सिर्फ यहाँ लगी है। तुम्हारे पास कार है? हाँ है। मुझे उसका पीछा करना है और लोगों को भी बुलाना है। मेरे पास अंदर एक दूसरा टेलीफोन भी है, आप चिंता मत करिए, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने उसे जिस रास्ते पर भेजा है वहाँ स्टेशन वगैरह कुछ नहीं है, रास्ता बंद है। वो रास्ता एक कॉलेज में जाकर खत्म होता है, साइंस का कॉलेज है। हरामी झूठ बोला, इधर तो कहीं भी रेलवे स्टेशन वगैरह नहीं है। इधर जाओ, पीछे जाता हूं तो पुलिस है, इधर जाता हूं मैं। ये सब क्या है सर? तुम ही बताओ ये सब क्या है। 1970, 1950, 1900, 1850 सर, ये सब इट्स इम्पॉसिबल सर, आई डोंट बिलीव इट सर। सर सर, ये टाइम मशीन तो नहीं है ना? हाँ, ये टाइम मशीन ही है, कह रही थी इम्पॉसिबल। लो, खुद ही देख लो, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत का फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट? सर आप कहना चाहते हैं कि ये मशीन काम करती है? सर इस मशीन के जरिए हम अपने पास में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने अतीत में जा सकते हैं सर। फिलहाल पूरी तरह काम तो नहीं कर रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, लेकिन एक समय पे जाके अटक गई है, 1971 1971 पर। सर इसका मतलब ये कम से कम हमें 1971 में तो ले जा सकती है। हाँ ले तो जा सकती, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन वापस नहीं ला सकती। मैं इसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द सॉल्व कर लूंगा। सर लेकिन आपने ये मशीन बनाई कैसे और ये काम कैसे करती है? इसका सीधा संबंध आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। है तो बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज टाइम? समय क्या है?
चाहे वो आने वाला समय हो या बीता हुआ समय। माइंड यू, बीता हुआ समय सिर्फ बीता है, मरा नहीं है। हम वहां पहुंच सकते हैं। हम बीते हुए समय के एक एक पल को महसूस कर सकते हैं, किस पल में कौन सी घटना घटी देख सकते हैं। हम बिना मरे हुए अतीत में और भविष्य में जा सकते हैं, समझी? तो इन सिद्धांतों पे ये मशीन काम करती है, आया समझ में? सर एक रिक्वेस्ट है, सर आप मुझे इस मशीन का एक्चुअल डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं, चला के दिखा सकते हैं सर, प्लीज एक बार। ओके, जस्ट अ मिनट। ये जो डायल है, इस डायल से हम ईयर यानी कि सन सेट कर सकते हैं, ओके? और यहां से हम दिन, तारीख और घंटे कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, ओके? अब मैं इस मशीन को ऑन करता हूं। देखा, देखा तुमने? अब तुम चाहो तो 1947 में जा सकती हो, दिल्ली पहुंच सकती हो और अपनी आंखों से देख सकती हो कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में क्या हो रहा था, आजादी का जश्न कैसे मनाया जा रहा था, क्या क्या हो रहा था। तुम्हारी 20 साल तो तुम 16 साल पहले जा सकती हो और देख सकती हो कि सड़क पे एक 3-4 साल की लड़की घूम रही है, उसके नाक बह रहे। तो मैं अपनी नाक साफ कर सकती हूँ? नो, तुम सिर्फ देख सकती हो। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक आखिरी सवाल सर, मैं 1996 से 1947 में कैसे पहुंचूंगी? तुम आके इससे बल खड़ी बता, यही वो एक्चुअल टाइम मशीन है, यही वो चीज है जो तुम्हें अतीत में कहीं भी ले जा सकती है। अब मैं इस टाइम मशीन को ऑन करता हूं। सर लेकिन ये लाल बटन क्या है? अरे होल्ड ऑन, छूना मत उसे, ये वो लाल बटन है जिसे दबाते ही लाइट जल जाएगी। दरअसल वो लाइट नहीं है बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी रेज हैं जो तुम्हें पूरी तरह से थक लेंगी, तुम गायब हो जाओगी और चली जाओगी अतीत की किसी दुनिया में। फैंटास्टिक सर, एक लाल बटन दबाने से मैं अपने वर्तमान को छोड़कर अपने मन चाहे पास में पहुंच जाऊंगी। दिस इज रियली एक्साइटिंग सर। है ना कमाल की बात। अब मान लो आप इस दुनिया से परेशान हो चुके हो, किसी से छुटकारा पाना चाहते हो या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप? करना क्या है, सिंपल, टाइम मशीन ऑन करो, डायल सेट करो और लाल बटन दबाओ और भाग जाओ इस दुनिया से, चले जाओ अतीत में किसी और दुनिया में। अतीत में किसी और दुनिया में? ताला सच बोल रहा है या ऐसे ही हांक रहा है? साला टाइम भी निकला जा रहा है, कहां जाऊं, क्या करूं, पुलिस भी पीछे लगी हुई है। सर अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं जिंदगी से परेशान हूं या नहीं, या फिर किससे दूर भागना चाहिए। सर यहाँ कैसे आए, यहाँ ना मना? चुप कर, मतलब गोली मार दूंगा। क्या बदतमीजी, पागल हो गया? तुम क्या बोला था, टाइम मशीन है ना? बोल बताए, को गोली मार दूंगा। ये टाइम मशीन ही है। तो इसमें खड़ा होकर के मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना? हाँ लेकिन ये पूरी तरह तैयार नहीं है, तुम जा तो सकोगे लेकिन लौट नहीं पाओगे। अरे कौन साला यहाँ पर वापस आना चाहता है, यहाँ पर रहकर के अपन को मिलेगा भी क्या, फांसी का फंदा नहीं था पुलिस का गोली है? मैं इससे जा रहा हूँ। अरे नहीं रुक जाओ भाई, तुम समझे नहीं मेरी बात, तू अपन को उल्लू समझता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है जो तू इस छोकरी को समझा रहा था। अरे नहीं भाई रुक जाओ, ये मशीन खराब है, 1971 में अटकी हुई है, 1971 में अटकी हुई है ये। अरे 1971 में अटकी हुई है कहीं भी, अपन को तो यहाँ से भागने का है, हम यहाँ से जा रहा है, क्या समझा तुम? सुशीता मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हट जाओ ना। मैं जा रहा हूँ। चला गया 1971 में। कहाँ है वो बदमाश? कहाँ है वो बदमाश? मैंने यहाँ से आवाजें आते सुनी। क्या आपने उस मुजरिम को देखा है? उल्लास को? तो उल्लास नाम था उसका। आइए बताता हूँ। ये क्या मजाक है?
मजाक नहीं है इंस्पेक्टर, ये एक लंबी कहानी है, जरा गौर से देखो। सर उधर देखिए सर, उधर कोई है सर। अरे यार ये मैं कहां आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है सर? अरे सर ये दुश्मन का आदमी तो नहीं लगता, कपड़ों से सिविलियन लगता है सर। ये सिविलियन यहाँ कहाँ से आ गया? हॉल्ट, आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। अरे मैं अपनी पहचान क्या बताऊं? तुम अपनी पहचान बताओ मुझे। आगे मत बढ़ो, अपनी पहचान बताओ वरना गोली मार दूंगा। अरे तुम मुझे क्या गोली मारोगे? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन ये तो मर चुका है, ये क्या माजरा है? ये मशीन क्या है? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये टाइम मशीन है, उल्लास 1996 से 1971 में पहुंच गया, 1971 में थ्रू टाइम ट्रैवल इसी मशीन के द्वारा। वो शायद तुमसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, वार्न किया, कॉशन किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और 1971 के उस सीन पर पहुंच गया जहां वार चल रही थी। सिपाहियों की गोलियों से वो मारा गया, फ्रंट पर उसकी मौत हुई। आपका मतलब है उल्लास इस मशीन के द्वारा यहां से भाग गया है? I can't believe it. ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ ठीक यही है, वो आपसे तो भाग निकला लेकिन अपनी नियति से नहीं भाग सका और उसकी मौत उसके साथ साथ गई। वो फिर वही हुआ जो बना था।